इस अफसाने का उन्नवान सैयद की हवेली है बहू अरे ओ बहू आवाज़ तेज थी जी बेगम साहब आवाज़ कमज़ोर थी मैं पूछती हूँ तुम्हारी बकरियाँ आंगन में क्यों आईं? आवाज़ में बे, बेपनाह खफगी थी क्या करे बेगम साहब गलती हो गई मगर गलती हुई क्यों देखो तुम्हारी बकरियों ने गुलदाउदी का क्या हशर किया इतनी मेहनत से मैंने पौधे लगाए थे सब कतर गई कम वक्त क्या करें बेगम साहब जनावर तो जानवर ही है बकरियां तो जानवर हैं मगर तुम क्या हो तुम तो जानवर नहीं हो और बकरियों को बांध कर क्यों नहीं रखती बांधती हूं बेगम साहब गलती से खुल गई बकरियां नहीं संवार सकती तो कमरा खाली कर दो मैं तुम्हारी बकरियों के लिए गुलदाउदी गुलदीब्रबाद नहीं कर सकती बेगम साहब का लहजा फ़ैसला था बेगम साहब और बहू की ये नोक झोंक नहीं, नहीं थी हफ्ते में दो एक बार जरूर बकरियों को लेकर तनाज़ा खड़ा होता और इसका अख्ताम उमूा कमरा खाली कर दो पर होता मगर बहू भी अच्छी तरह जानती थी कि इस धमकी में कोई दम न था और इसकी बेहतर का बेहतरीन इलाज खामोशी थी वो वाक़ता चंद घंटों में बेगम साहब बहू को आवाज़ देकर रात का बचा हुआ सालन बची हुई रोटियाँ और बच्चों के लिए मिठाइयाँ देती हुई बड़ी मोहब्बत से बातें करती नजर आती दरअसल उनका मिजाज ही ऐसा था और ऊपर से नारियल के तरह सख्त और अंदर से मीठा मीठा पानी पुरानी दिल्ली के कूचा चेला नौ तेराहा बहराम खां से आती सड़क के तराहे पर खड़ी यह पुरानी हवेली सैयद की हवेली के नाम से जानी जाती थी जो बेगम साहब और बहू की आवाज़ों से बेहद मानूस थी इन आवाज़ों को इसकी बोशीदा दीवारें इस तरह जज्ब कर लेती थी कि बाहर आवाज़ तक नहीं जाती थी और जाती भी कैसे कि वसी राहदारी के बाहर लकड़ी का बलन फाटक हमेशा बंद रहता था जिसने अंदर की बची खुची रौनकों को बाहर जाने से रोक रखा था फाटक में एक छोटा सा दरवाजा था जिससे झुक कर अंदर जाना पड़ता था गोया हर शख्स यहीं से बेगम साहब को कौरनिश बजाने की शुरुआत करता था क्योंकि वे अंदाज से अंदर दाखिल होकर सर उठाइए तो मंजर जीप था दो रोया कमरों में बहू का खानदान आबाद था ये लोग पेशे से भंगी थे इसलिए कूड़े का टोकरा बकरियाँ और बच्चे बल्कि कभी कभी तो बैल भी दिखाई देती थी और यह फैसला करना मुश्किल था कि कोड़े के टोकरे और बच्चों में ज़्यादा गंदा कौन है तकरीबन रोज़ ही बेगम साहबा और बहू के मकाल में गूँजते थे मगर बहू ने कभी बेगम साहब के आके जबान नहीं खोली वरना दिल्ली के भंगन जिसे उड़फ आम में जमादारन के नाम से मुखातब किया जाता है इतनी तेज़ होती है कि कोई कुछ बोल दे तो लखनऊ की भंगन की तरह इतना कह कर इतफ़ा नहीं करती कि इतनी इतनी कमचियाँ मारूंगी चेहरे पर सहरे हुए बल्कि वाक़ता सहरें उगा देती हैं मगर बेगम साहब की उम्म दीगर उम्मतों से ज़्यादा वफादार थी राहदारी से गुजर कर आगे बढ़े तो हवेली का दरवाज़ा था जिस पर हवेली जितनी पुरानी तख्ती लगी थी जिस पर बेगम जे ख्वाजा लिखा था और उसे वही लोग पढ़ सकते थे जिन्हें मालूम था कि बेगम साहबा यहीं रखती हैं तख्ती पर लिखा हुआ बेगम लफ्ज़ तकरीबन मिट चुका था मगर ख्वाजा के आसार वाजे थे उनका नाम जो भी रहा हो वह सारा शहर अहल ज़बान भी उन्हें बेगम साहब ही कहते थे साहब भी बेगम साहब तब्दील हो चुका था और हवेली के अंदर दाखिल होते ही बड़ा सा आंगन दिखाई देता था, था जिसमें खुशनमा फूलों के गमलों की कतारें थीं शुमाली हिस्से में बरामदे से मल्ल के बड़ा सा सायदार था जिसे खूबसूरत सूतलों और मन्क्श महराबों ने संभाल रखा था बेगम साहब बताती कि, थी कि सैयद साहब की बैठक थी जहां वो लोगों से मिलते थे और इस मुतसिल कमरों में उनका ऑफिस और बेडरूम था यही बेगम साहब का मस्कन था बाकिया हिस्सों में लखनऊ के महमूद साहब अरबदाइयों के ज़िया साहब मगरी यूपी के रईस और रशीद साहब और बिहार के बदी साहब बहसियत करायादार मुम थे इस हवेली की आबादी इन्हीं दानश्वरों बेगम साहब जगदीश भंगी के ख़ानदान उसकी बकरियों और मुर्गियों पर थी अच्छा खासा छोटा मोटा हिंदुस्तान था जो सेकुलर ज़रूर था मगर जमहूरीत नहीं थी बेगम साहब इसकी वल्क के मतुल एनान हाकिम थी और उनका हर फैसला हरफ आखिर था जिसके आगे सारे मकीन सर तस्लीम करते थे बकरियों और मुर्गियों को छोड़कर बाकी सारे मकीन बेहद शहादतमंद थे और बेगम साहब के न्याजमंद भी इसलिए माहौल बेहद खुशगवार था बेगम साहब तन्हा रहती थी डाकटी पढ़ते, पढ़ते पढ़ते खुदा ने क्या साना हुआ कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और सारी ज़िंदगी मुजरद रह गई उनके सारे अजीज अकरबा सरहद पार कर चुके थे मगर हवेली के आंगन ने उनके पांव थाम रखे थे वो वाक़ता तना थी उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द दिल्ली में नहीं था इसलिए उन्होंने किराएदारों को ही अपना खानदान बना रखा था और उसकी सरबराह बन बैठी थी नतीजा यह था कि हर किसी के मामले में दखील थी किससे मिलने कौन आया खाना पकने में देर क्यों हुई बरामदे का बल्ब दस बजे रात के बाद जलता क्यों रह गया बच्चा क्यों रोया वगैरह वगैरह सवेरे उठते ही वो हाथ में नोटबुक लिए बिजली का मीटर नोट करतीं फिर उसे सारे किराएदारों में मुनफाना अंदाज में तकसीम करतीं और अक्सर पुकार कर कहती महमूद साहब आपका एक बल्ब दो बजे रात तक जल रहा था इसलिए एक यूनिट ज़्यादा हुआ लखनवी तहजीब के मरक् महमूद साहब जी बेगम साहब से ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते थे हालांकि आवाज़ में मजलूम के एहतजाज की धमक जरूर थी अलबत् जब बेगम साहब अपने दोस्त तहरा बेगम के यहाँ गई होती तो हवेली में चहल पहल हो जाती बच्चे दौड़ते खिलखिलाते हंसते और महमूद साहब वगैरह भी आंगन में मोड़े डालकर आज़ादी से खुशकबियाँ करते थे और कह कहे लगाते थे जैसे सारी हवेली उन्हीं की थी मौजूद ज़्यादातर बेगम साहब की ज़्यादतियाँ होती और महमूद साहब तो यहाँ तक कहे जाते कि बेगम साहब का ख़ानदानी तल्लक नादिर शाह से रहा होगा हालाँकि ये इल्जाम था उनका तार्लुक तो पुरानी दिल्ली के शरफा से था मिजाज में सुल्तानियत ज़रूर थी मगर शराफत में कोई कमी नहीं थी यार इन बेगम साहब ने जीना धोभर कर दिया है कल शाम को मेरे दोस्त मोहन सिंह आए थे जाने लगे तो बेगम साहब के गमले से ठोकर लगी और बेचारे गिरते पड़ते बचे जानते हैं बेगम साहब क्या फरमाती हैं आपके दोस्त नशे में थे कैसे कैसे लोगों से दोस्ती कर रखी आपने मैं फाखरा बेगम से कहूँगी या जी तो चाहे खरी खरी सुनाऊँ मगर चुप रह गया मैंने कहा कि आपने एक शरीफ आदमी पर इल्ज़ाम लगा दिया मगर क्या आपको कहना चाहिए था रशीद खान ने पूरी मतानत से कहा आप डर के कह देना चाहिए था जया साहब ने अपनी हसरतों का इजहार किया महमूद साहब गुस्सा आ गया मैं क्यों डरूंगा कसम खुदा की एक जंग हो जाएगी आप मुझे याद नहीं जानते मैंने अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर दी मैं कोई बदायूँ का लल्ला थोड़ी हूँ महमूद साहब ने जया साहब के वतन पर वार किया नहीं भाई आप तो लखनऊ के बाकी हैं मगर ज़रा आप दिखाई तो हम जाने जया साहब कब चुप रहने वाले थे मगर सब लोग जानते थे कि बेगम साहब के आते ही मंजर बदल जाएगा और लोग कमरों में चले जाएंगे किसकी मजाल थी कि बेगम साहब में ज़बान खोले सख्तगीर बेगम साहब के अंदर बेहद दर्दमंद दिल था दूसरों के दुख दर्द में शरीक होना और उसके दर्द को अपना दर्द बना लेना उनकी फितरत सानिया थी आज़ादी के वक्त जो फसादात हुए थे उसके रिलीफ कैंप में महीनों बगैर खाए पिए वो लोगों की खिदमत करती रहती थी और जिन बुज़ुर्गों ने देखा था वो आज भी इनके कदरदान थे वैसे सारा महला ही उनका ना था जगदीश भंगी से लेकर डेरा इस्माल ख़ान से आए हुए राय बहादुर साहब तक सरहद पार से लूटे हुए रिफ्यूजी बनकर आए लोगों से महला आबाद था शरफा महल्ला छोड़ चुके थे और उनके मकान कस्टोडियन ने नौट कर दिए थे बस यही एक पुरानी हवेली बची थी जिसे बेगम साहब के वालिद ने सैयद अहमद के वारिसों से खरीद कर अपना रखा था रावलपिंडी के सरदार जोगा सिंह हो या झंग के कश्मीरी लाल सहगर कोहली साहब हों या लकड़ी की टाल वाला नारायण बेगम साहब को सभी देखते खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ देते और बेगम साहब उनसे ऐसे खैरियत पूछती जैसे उनका अपना कम्बा हो एक दिन मैं उनके साथ हकीम मोमिन खान की गली से गुजर रहा था तो सरदार जवाहर सिंह मिल गए वो आगे बढ़े तो बेगम साहब ने मुझसे पूछा तुम उनके घर गए हो जी हाँ सरदार जी बीमार थे तो उन्हें देखने गया था सरदार जी मुझे अंदर ले गई जहाँ एक बड़े कमरे में सरदार जी लेटे हुए थे सामने मुनक्श दीवार पर बाबा नानक की तस्वीर लगी थी जिस पर फूल के हार थे और उनके ऊपर कमरे के चारों तरफ कुरानी टहरे के टाइल्स लगे हुए थे मैं तो हैरान था सरदार जी ने मेरी हैरत को महसूस किया और बोले जानते हो बेटे ये किसका मकान है मैंने कहा मैं नहीं जानता उन्होंने कहा राशिदुल खैरी का मकान है मैंने सब कुछ वैसे ही रहने दिया है बड़ी बरकत वाला मकान है वह गुरु की कृपा और अलामा का दुआ भी है यह कहते हुए सरदार जवाहर सिंह की आंखें भीग गई अस्सी साल के बूढ़े सरदार को शायद अपना गांव याद आ गया था न जाने इसके मकान में टंगे बाबा नानक की फ़ोटो का क्या हुआ, हुआ, हुआ मगर उसने अपने ज़ख्म पर कुरानी आयात का मरहम लगा रखा था हवेली में रहने वाले तमाम लोगों की गार्जियन बेगम साहब थी कोई बीमार बि पड़े तो डॉक्टर सिक्का को बुलाकर दिखाना दवा लाना पाबंदी से खिलाना और तीमारदारी करना बेगम साहब के ख़ुद इख्तियारी फ़राज़ में था इस कदर शफकत और मोहब्बत थी कि ज़बान की सख्त कलामी के लोग कड़वी दवा समझ पी कर पी जाते थे सैयद की हवेली काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और उसका एक हिस्सा जिसमें ज़िया साहब रहते थे खासा ख़स्ता हाल था मगर फिर भी उसकी एक शान थी भाई जान और रशीद खान साहब को मैंने हवेली की दास्तान सुनाते हुए देखा था उनका कहना था कि यह तारीख़ी मकान है मगर बेगन साहब के बाद न जाने इसका क्या हशर होगा एक दिन बड़ी हैसरत से भाई जान ने मेहराबों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जानते हो इन्हीं मेराबों नीचे के नीचे बैठ कर कौम की किस्मत के फैसले किए गए थे और वो तारीख़ी इकदाम हुए थे जिन्होंने मुसलमानों की तकदीर बदल दी इतना कहकर वो चुप हो गए और तब मेरी समझ में कुछ नहीं आया था मैंने इतना ज़रूर देखा था कि शेरवानी पहने हुए कुछ लोग कई बार बेगम साहब से बातें करने आए थे इस हवेली को सैद की यादगार बनाना चाहते थे बेगम साहबा राजी भी थी मगर फिर शेरवानी वाले न जाने कहाँ गायब हो गए और शायद उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी मैं हवेली में रहने वालों में तनहा तिल था और इससे सबसे छोटा भी इसलिए बेगम साहब की खास शफकत मुझ पर थी वो मुझे बेहद मानती थी भाईजान को भी वो बेहद मानती थी और हमेशा उन्हें खाने की तरकीब देती फिर नज़ला भाभी पर उड़ता बेहद दुल्हन तुम मेरे भाई का ख्याल नहीं रखती देखो कितने दुबले हो गए और मैं मैंकमा भाभी कब मोटी हैं तो वह कहने लगती मैं कब कह रही हूँ कि वो मोटी हैं ख़ुद भी खाएँ और मियाँ को भी खिलाएँ बेगम साहब की बेपनाह शफकत से तो मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे पिछले जन्म में यकीनन मैं उनका करीबी रिश्तदारा होगा बल्कि महमूद साहब तो अक्सर उनको छेड़ते थे मियाँ लगे रहो यह हवेली तुम्हारी मिल तुम्हें मिलेगी और तो कोई है नहीं मैं हंस का जवाब देता आप जो हैं मियाँ मुझे तो बेगम साहब भंगी वाला कमरा भी नहीं देंगी तुम्हारी चांदी है तालीम मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत के सिलसिले में मुझे दिल्ली छोड़नी थी तो सबसे ज़्यादा महमूम बेगम साहब थी वो बेचैन थी मेरे जाने के एक दिन पहले वो आपदीदा होकर मुझसे कहने लगी मियाँ तुम चले जाओगे मैं तनहा हो जाऊँगी जल्द वापस आ जाना मैं यह हवेली तुम्हारे नाम कर दूँगी मुझे झटका सा लगा बेगम साहब मैं अगर वापस आ सका तो आपकी मोहब्बत के लिए आऊँगा न कि हवेली के लिए मैंने संजीदगी से कहा नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं मेरा अपना कोई भी नहीं लोग गितद की तरह मेरे मरने के मुंतजर हैं उनका बस चले तो अभी कब्जा कर लें तुम थे तो मुझे तकवीत थी मगर मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती तुम्हारे कैरियर का सवाल है जाओ मगर आ जाना उन्होंने बड़ी लजाजत से कहा और आंसू का एक कतरा उनके झुरेदार गानों पर ठहर गया मैं भी इन गिधों को जानता था जो मंडला रहे थे चूँकि बेगम साहब ख़ुद अली तालीम याफ़्त और जहादीदा थी दिल्ली के मुमताज़ लोगों से उनको मरासम भी थे इसलिए किसी ने हिम्मत नहीं की कि हवेली पर कब्जा कर ले लोग लचाई नज़रों से हवेली को ज़रूर देख रहे थे मुलाजमत की अपनी मजबूरियाँ होती हैं बरस दो बरस बाद मैं बेगम साहब से मिला ज़रूर मगर हर बार मुझे ऐसा हुआ कि हवेली बेगम हवेली और बेगम साहब दोनों ही काफ़ी खस्ता होती जा रही हैं भाईजान जिया साहब और रईस साहब सब हवेली से जा चुके थे और उनके जगह जो लोग आए थे वो मुखलिस नहीं नज़र आए तकरीबन पाँच बरसों के बाद मैं हवेली पहुँचा तो नक्शा बदला हुआ था आंगन में चारों तरफ कबाड़ फैला था और कबाड़ियों की मोटी मोटी औरतें आंगन में घूम रही थी कबाड़ियों ने हवेली पर कब्ज़ा कर लिया था आंगन में बड़े बड़े बकरे पीपल के पत्ते चिबा रहे थे और गुलदाउदी के डम्बले टूट चुके थे बेरम शाह की हवेली बरामदे में पड़े उस तख़्त पर सिमट आई थी जिस पर वो नीम मुंदासी बे पड़ी हुई थी उनके कब्जे में इस इस तख़्त के सवा कुछ भी न था वो बीमार थी और हड्डियों का ढांचा बन गई थी मुझे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आया मेरी आँखों में वो मंज़र घूमने लगा जहाँ प्याज रंग का गरारा पहने बेगम साहब हवेली पर राज कर रही थीं और गुलदाउदी के फूलों से आंगन भरा था मगर अब तो आंगन में बकरे और अधनंगे बच्चे शोर मचा रहे थे मुझे देखकर बेगम साहब की आंखें नम हो गईं मगर वो खामोश रहीं आंसू थे तो पता चलता कि उनके एक अजीज़ ने जो उनके वकील थे धोखा देकर हवेली कबाडियों को नाम लिखवा थी और कबाडियों ने कब्जा कर लिया था बेगम साहब तन्हा और बीमार थीं हवेली कोचरें देखती रहीं हवेली की जो थोड़ी सी कीमत मिली थी वो तारा बैगों ये कह कर, कर ले गईं इतने रुपये तुम कहाँ रखोगे ग़ायब हो जाएंगे और वाकई वो गायब भी हो गए मुझे सस्ता से लग गया मुझे शदीद घुटन का एहसास हुआ थोड़ी देर बाद जब मैंने एजाज़ चाही तो वो बिलक लग कर रोने लगी मैं बेगम साहब की हालत नहीं देख पा रहा था और भाग जाना चाहता उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए किया मियाँ मैं न कहती थी कि तुम मत जाओ यह गिध उन्होंने जुमला अधूरा छोड़ दिया और बस, बस हसरत के साथ आंगन में शोर मचाते अर्नंगे बच्चे और पीपल का पत्ता चिबाते मोटे बकरों को देखते रहीं और ऐसा लगा जैसे पत्तों को नहीं बल्कि पूरी हवेली को चिबा रहे हैं और साथ में बेगम साहबा को भी इस तरह सैयद की यह हवेली कबाड़ियों के हिस्से में आ गई चंद महीनों बाद मैं फिर बेगम से, से मिलने आया मगर गिद का इंतजार खशम गता की हवेली कबाड़ खाने में तब्दील हो चुकी थी और सह दरे के महराब मसी खाते कि जिस हवेली में दूसरों की किस्मत संवारने के, के फैसले हुए थे वो खुद अपनी तकदीर नहीं समा सकी